नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुशीला कटारिया और आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स की। आप जानते हैं कि इंडिया में मंकी पॉक्स के 2 केसेस पाए गए हैं और पूरे वर्ल्ड में पिछले 6 महीने में 3,500 से ज़्यादा केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। इस बार का ये जो आउटब्रेक है मेनली यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में है, पर कुल मिला के कम से कम 50 देशों में ये केसेस पाए गए हैं। इससे पहले मंकी पॉक्स का आउटब्रेक 2003 में अमेरिका में हुआ था। पहला केस मंकी पॉक्स का 1970 में एक 9 साल के बच्चे में डिटेक्ट हुआ था कोंगो में, और उससे भी पहले वायरस का डिटेक्शन हुआ था एक रिसर्च मंकी में 1957 में, इसलिए इसका नाम हो गया मंकी पॉक्स वायरस। सो आइए आज हम मंकी पॉक्स के बारे में और जानकारी लें ताकि हम इसके स्प्रेड को रोक सकें। मंकी पॉक्स एक मंकी पॉक्स नामक वायरस से होने वाला एक वायरल इन्फेक्शन है। ये एक पॉक्स विरिडी फैमिली का वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स फैमिली वायरस की ही कैटेगरी में आता है, और ये एक तरह की वायरस की बीमारी है जिसमें फीवर, स्किन रैशेस, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, मसल पेन, सिरदर्द वगैरह होता है। मंकी पॉक्स के मेन सिम्टम्स हैं शुरू के फेज में, प्रोड्रोमल फेज में बुखार, सिरदर्द, मसल पेन होता है। उसके बाद लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो सकती हैं। 3 से 5 दिन के बाद स्किन में रैशेज अपीयर होते हैं जो पहले फ्लैट होते हैं जिसको हम मैकुलोपैपुलर बोलते हैं, उसके बाद में उनमें फ्लूइड भर जाता है तो वेसिकुलर इरप्शंस हो जाते हैं। रैशेज पहले फेस पर आते हैं उसके बाद बॉडी में स्प्रेड करते हैं। रैशेज पेनफुल भी हो सकते हैं, रैशेज कम नंबर से लेकर ज़्यादा नंबर तक भी हो सकते हैं, और ये रैशेज को ट्रीट होने में कम से कम 2 से 3 सप्ताह लग जाते हैं। जिस भी व्यक्ति को पहले मंकी पॉक्स के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं है वो एट रिस्क है, इसका मतलब पूरा वर्ल्ड ही एट रिस्क हो सकता है। दूसरा ये पाया गया है कि जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा है पिछले 20 साल में उनको 85% सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है फ्रॉम मंकी पॉक्स। अदरवाइज अडल्ट्स चिल्ड्रन आर इक्वली ससेप्टेबल टू दिस इन्फेक्शन। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है, इसका मतलब ये एनिमल कॉन्टैक्ट से ह्यूमन में और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। इसका कोई रिजर्वॉयर डेफिनेटली हमें नहीं पता चला है, लेकिन ये रोडेंट्स में, मंकीज में होता है। तो इन्फेक्टेड एनिमल के बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में ये वायरस ह्यूमन में जंप कर जाता है, इन्फेक्टेड ह्यूमन से भी इन्फेक्टेड ह्यूमन में जा सकता है, और बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद आइदर वेसिकल फ्लूइड के साथ या बॉडी फ्लूइड्स के साथ या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के साथ है। ये और तरह के जो पॉक्स हैं जैसे चिकन पॉक्स है या स्मॉल पॉक्स है उससे लेस कंटेजियस है। इसका जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का चेन है वो 6 ट्रांसमिशन तक ही पाया गया है। मंकी पॉक्स का डायग्नोसिस हम PCR टेस्ट से करते हैं, लेकिन PCR टेस्ट ब्लड में या रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस में नहीं होता, ये वेसिकुलर फ्लूइड्स के सिक्रीशंस में हम PCR टेस्ट करते हैं जिससे हम DNA वायरस को डिटेक्ट करते हैं। यही सिमिलर टेस्ट हम स्किन बायोप्सी पे भी रन कर सकते हैं। मंकी पॉक्स वायरस को स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हमें सही जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को जिसको बुखार के साथ लिम्फ नोड एनलार्जमेंट और स्किन रैश है उसे तुरंत आइसोलेट करके सस्पेक्टेड केस करके उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पेशेंट्स को हैंडल करते टाइम N95 मास्क, हैंड हाइजीन और डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए। बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट एनिमल्स के साथ जो इन्फेक्टेड हैं उनके साथ अवॉइड करना चाहिए। मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है, जैसे मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मंकी पॉक्स भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाता है। मंकी पॉक्स के 2 वेरियंट्स हैं जिसमें एक कॉन्गो बेसिन वेरियंट है जिसमें जो केस फर्टैलिटी रेट हाई होता है, दूसरा वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन है जिसमें केस फर्टैलिटी रेट कम होता है 1% के आसपास। सो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ मंकी पॉक्स इन्फेक्शन आर माइल्डर, दे आर गेटिंग ट्रीटेड विद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सम एंटीवायरल मेडिकेशंस, सम इम्यूनोग्लोबुलिंस और कन्वेलेंट सेरा मे बी गिवन टू दीज पेशेंट्स एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। सो एनीबडी हु इज हैविंग सिम्टम्स जैसे कि बुखार, स्किन रैश, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, किसी सस्पेक्टेड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए हैं, या उन एरिया से ट्रैवल हिस्ट्री है जहाँ पर मंकी पॉक्स के केसेस हैं, या जो सिक एनिमल का केयर करते हुए स्पेशली रोडेंट्स या मंकीज में जिसको फीवर, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट और स्किन रैशेज हैं उन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। एज ऑन टुडे
there is no specific vaccine for monkeypox virus, but it has been found the smallpox vaccine is providing a cross immunity. So all those people who have received smallpox vaccine in last 20 years, they have shown 85% safety or protection. So it has been thought that a safer and more effective smallpox vaccine could be helpful in preventing the spread of monkeypox. हमें मंकीपॉक्स वायरस से डरना नहीं चाहिए, हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए। इन्फेक्शियसनेस मंकीपॉक्स वायरस की कोविड 19 वायरस से बहुत कम है। मंकीपॉक्स इन्फेक्शन बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट, एनिमल कॉन्टैक्ट या ड्रॉपलेट से ही फैलता है। इसमें पाया गया है कि स्प्रेड लिमिटेड है, स्प्रेड साइकिल्स भी 6 साइकिल्स तक ही स्प्रेड करता है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन चेन में एक से दूसरे पे जंप करने की सिर्फ अभी तक 6 साइकिल्स ही डिटेक्ट हुई हैं। सो हमें लगता है कि मंकी पॉक्स कोविड 19 में कन्वर्ट कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।